लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और धारा 370 कमजोर किए जाने का विरोध किया है। लोकसभा में कांग्रेस के सदन नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल के पेश किए जाने का विरोध करने के दौरान एक सेल्फ गोल कर बैठे। जब अधीर रंजन ऐसा कर रहे थे तो उनके बगल में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी बैठी थी और उस दौरान उनका रिएक्शन ऐसा रहा कि जैसे वो भी इस बयान से चौंक गई हो। अधीर रंजन के बयान से सोनिया गांधी काफी नाराज भी हुई। राज्यसभा की तरह आज कांग्रेस ने लोकसभा में भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने की सरकार के फैसले का विरोध किया। हालांकि आर्टिकल 370 के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के सदन नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल के पेश किए जाने का विरोध किया और बीजेपी से पूछा कि कश्मीर आंतरिक मामला कैसे है। लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो का इंटरनल मामला है। नंबर वन शिमला एग्रीमेंट लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो का इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और कांग्रेस को घेर लिया। लोकसभा में जब अमित शाह ने पुनर्गठन बिल को पेश किया तो उसके जवाब में अधीर रंजन ने कहा कि 1948 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र यूएन निगरानी कर रहा है, ऐसे में ये आंतरिक मामला कैसे हो सकता है। बस कांग्रेस नेता के इसी बयान पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए जान भी दे सकते हैं। प्रस्ताव का विरोध कर रहे अधीर रंजन चौधरी ने जब कहा कि कश्मीर आंतरिक मामला कैसे हो सकता है तो इस पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। वो साफ तौर पर इस बयान से नाराज दिख रही थी, उनके पीछे बैठे सांसदों को इशारा भी किया। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के बता दी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर अमित शाह ने सवाल किया था, आप ये स्पष्ट कर दें कि ये कांग्रेस का स्टैंड है कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर को मॉनिटर कर सकता है, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। अमित शाह अधीर रंजन के बीच तीखी नोकझोंक हुई।